अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको शहबाज शरीफ की बाय रोड लेकर जा रहा हूँ, ज़ियारत करा रहा हूँ। आज शाबान की 7 तारीख है, बसंत पेश होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अजमेर से कितने दूर किलोमीटर है, कितने दूर है, और बसंत पेश जो करते हैं तो उसका मंज़र कव्वाली के साथ दिखाता हूँ आपको। अजमेर से हम लोग रवाना हो रहे हैं, डिग्गी बाज़ार से 65 किलोमीटर दूर है अजमेर से शहबाज शरीफ। ये हमने पेट्रोल भरवा लिया है, ये देखिए पेट्रोल पंप पर आ गए हैं, अब हम लोग शहबाज शरीफ के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं आपको पूरे रास्ते का मंज़र बतलाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ये हटुंडी जो कि नसीराबाद के रास्ते में पड़ता है, बहुत बड़ा गाँव है, यहाँ पर आ चुके हैं। बस यहाँ से हम नसीराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। ये देखिए सामने पहाड़ियाँ, पहाड़ी के पीछे नसीराबाद जाएंगे। मैं रास्ते का मैं बता रहा हूँ आपको, अजमेर से ये 65 किलोमीटर दूर है शहबाज शरीफ की दरगाह, ख्वाजा बाबा की दरगाह से। ये रास्ते का क्या शानदार दिलकश नज़ारा, ये देखिए सामने कितनी हरी भरी पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, बरसात में तो और ज़बरदस्त नज़र आती है ये पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों के आगे नसीराबाद, मैं आपको नसीराबाद जाकर वहाँ का दिखूँगा। ये आगे घुमावदार घाटियाँ हैं, यहाँ पर एक दरगाह भी है घाटी वाले बाबा की। मैंने अपने शुरू के ब्लॉग में भी वहाँ की ज़ियारत कराई थी, आपको बतलाया था मैंने। मैं आगे आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों ये घाटियाँ नज़र आ रही है। इस घाटी के पीछे दरगाह शरीफ है, बहुत पुरानी बुजुर्ग की, अपने पहले ब्लॉग में बता चुका हूँ। ये वो रास्ता है घाटी वाले बाबा के नाम से मशहूर है, ये इसके पीछे ये रास्ता जाता है अंदर से। हरियाली हो रही है तो ऊपर से नजर नहीं आएगी, मैं कोशिश करूंगा फिर भी आपको दिखाने की। दरगाह शरीफ फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोगों ने नसीराबाद में एंट्री ले ली है, कुल 25 मिनट के अंदर हम लोग नसीराबाद आ गए। ये देखिए ये नसीराबाद, अब यहाँ से सड़वार 40 किलोमीटर है, इंशाल्लाह ताला हम 35-40 मिनट में वहाँ भी पहुँच जाएंगे। अब मैं वहाँ जाकर आपको आगे की अपडेट दूंगा, फिर मुलाकात करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग नसीराबाद आ गए, ये यहाँ के कचोरे हैं, ये देखिए फेमस पूरे इंडिया में नसीराबाद के कचोरे बहुत फेमस हैं, ये जो बन रहे हैं। मैं अभी रेगुलर आ रहा हूँ, ये देखिए ये भाई साहब बना रहे हैं ये कचोरे नसीराबाद के, बहुत मशहूर है ये दाल के और आलू के। अब मैं यहाँ से सड़वार के लिए रवाना हो रहा हूँ, फिर मिलते हैं आपसे आगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग नसीराबाद से निकल चुके हैं, अब ये सड़वार की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये सड़वार यहाँ से 35 किलोमीटर है आगे, केकड़ी देवली कोटा, ये पूरा रास्ता, आधा रास्ता हम लोगों ने पार कर लिया है, आधा रास्ता और है। मैं ट्रैवल्स एडवेंचर जो मेरा चैनल है, ये मैं देखिए अपनी बाइक पर ही जा रहा हूँ, ये सुजुकी की एविनेस उसी पे ही जा रहा हूँ मैं, ताकि ट्रैवल में मज़ा आए, एडवेंचर में मज़ा आए, जो हर जगह का मैं आपको दिखाता हूँ इसके द्वारा ही दिखाता हूँ मैं आपको। मैं अब सड़वार पहुँच कर आपको आगे का बताता हूँ। फाइनली दोस्तों ये देखिए हम लोग शहबाज शरीफ आ गए, 1 घंटे 10 मिनट लगे मुझे मेरी गाड़ी पर आने पर।
अब मैं अंदर जाता हूँ, मैं दरगाह शरीफ का चार्टर का पूरा आपको मंजर पूरी अपडेट बतलाता हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, हम दरगाह शरीफ के बाहर आ गए हैं, ये देखिए। अब यहाँ से बसंत पेश होगा जो उसका जो कव्वाली के साथ, मैं वो सब मंजर आपको दिखाता हूँ पूरा। I'm not afraid.
तो आज किस तरह बसंत पेश की गई? आज हर साल की तरह जिस तरह से बड़ी नमाज में पेश की जाती है, बरसों से सदियों से रस्म चली आ रही है, 5 तारीख को ख्वाजा बड़ी नमाज में बसंत पेश होती है और 6 तारीख को ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला है जो आनंद सागर के पास है वहाँ पर पेश की जाती है, और 7 तारीख को इसी तरह सरवा शरीफ में हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में बुलंद दरवाजे से जुलूस के रूप में पेश की जाती है, और इसमें जुलूस के रूप में पेश की जाती है। इसमें बीच में हम कव्वाली पढ़ते हैं जो कि हज़रत अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी, सारे उनके कलाम पेश किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। इस तरह से आज बसंत बना ले सुहागन, आज बसंत बना ले सुहागन, आज बसंत बना, आज लाए बसंत बना के, ख्वाजा फखरुद्दीन के घर आ जाती है बसंत, नाजो अदा से झूमना, ख्वाजा की चौकट चूमना, इस तरह से कलाम पढ़ते हुए मजार शरीफ पे पेश की जाती है। ये कितने सालों से परंपरा निभाई जा रही है? देखिए, ये हजरत अमीर हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के टाइम से पेश की जा रही है, जो कि हजरत अमीर खुसरो ने इसका आगाज़ किया था। अपने पीर को हुक्मज़ादा देख के उन्होंने बसंत का गुल एक गड़वा बनाया था, जिसमें सरसों के फूल, तरह तरह के फूल बना के गड़वा कहते हैं उसे, वो बना के हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को खुश करने के लिए पेश किया गया था। जब से लेकर आज तक ये रसम हम शाही कव्वालों द्वारा हमारा परिवार ही अदा करता है। और ये परंपरा किसने शुरू की थी? ये परंपरा मैंने बताया ना अभी आपको, हजरत अमीर खुसरो ने शुरू की थी, और अजमेर में गरीब नवाज की दरगाह में शाही कव्वाल परिवार है जो कि हम ही हैं, मेरे ताया आज़ार हुसैन जो कि अब नहीं रहे हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैं उनका उनके भाई का लड़का हूँ, भतीजा उनका सगा। तो दरबार ख्वाजा में तो हम सब मिलके पेश करते हैं, कुतुब साहब के चिल्ले में भी दीवान साहब भी आते हैं, सब पेश करते हैं। यहाँ पर ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती सवारी रहमतुल्लाह अलैह राजे की बारगाह में मैंने चालू करी है, आज से तकरीबन 2011 से मैंने चालू करी थी, तो आज इस साल 13-14 साल हो गए हैं, तो मैं ही पेश करता हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम शेख इफ्तिखार हुसैन शाही कव्वाल।